इसका नाम सरफराज है क्योंकि धोखेबाज है। ये व्लॉग में या फिर आने वाले इंदौर के व्लॉग में आपको खाने की प्लेसेस दिखेंगे। आ चुके हैं इंदौर, फाइनली इंदौर आ गए यार, मतलब आ गए बस आ गए। तो चलते हैं, हमने ये होटल बुक किया है जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ अभी। तो ये रहा हमारा होटल दो दिन के लिए, अबरी कृष्णा होटल, और हमने ये होटल बुक किया है ओयो से। तो अभी चलते हैं सीधा होटल के अंदर और थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उसका थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रेश होके निकलते सीधा इंदौर घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रूम पे और भैया हमको छोड़ रहे हैं रूम पे, सही है ना? हाँ। कौन सा कमरा है अपना? 204 203 203 आ गया क्या? हाँ। चलो फिर चलते हैं रूम की तरफ। अभी मैं आपको रूम टूर कराता हूँ, कैसा है रूम, कहाँ पे है, शुरू होते खत्म हो गया क्या? भाई हम तो शुरू होते खत्म हो गया यार। तो गाइस ये रहा हमारा रूम, और अच्छा है रूम है, मतलब ये रहा बेड, टीवी, बाथरूम यहाँ पे, और ये शायद अलमीरा है, एंड दिस इज योर बॉय। बढ़िया लग रहा हूँ ना, कैसा लग रहा हो भैया? एक नंबर। तो ये है देखो दोस्तों रूम आपके सामने। तो अभी मैं फ्रेश फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होके निकलते सीधा, और उसके पहले मैं आपको एक जन से मिलाना चाहता हूँ जो अभी अभी हमारे मतलब ग्रुप में ज्वाइन हुआ है। एक्चुअली वो पुराना ही बंदा है पर वो उदयपुर आया नहीं था, पहले उससे मिला था वो। तो गाइज ये है वो लड़का जो हमको उदयपुर में ज्वाइन नहीं किया था पर अभी आया है। इसका नाम सरफराज है क्योंकि धोखेबाज है, धोखा देगा। तो बता क्यों नहीं आया था उदयपुर, बता बता। टाइम नहीं था। टाइम नहीं था आदित्य, क्या बोलना चाहेगा? इसके पास टाइम नहीं था, गद्दार, एक ही शब्द भाई, मजा आया। संजय अगर आपने पशुपतिनाथ वाला व्लॉग देखा तो इसको ही हमने बर्थडे विश किया था, तो अभी आ गया ये क्योंकि इसको पता पड़ गया कि हम लोग ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी सब फ्रेश फ्रेश होते हैं और चलते सीधा। तो हो चुका है मैं रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, बहुत जोर की भूख लगी है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गुरु कृपा होटल, ये एक मतलब ऐसा कह सकते हो कि खाने के लिए काफ़ी फेमस जगह इंदौर में। तो इनके साथ कभी इंदौर आते हो तो गुरु कृपा होटल ये नाम याद रखना। तो अभी चलते सीधा गुरु कृपा होटल और खाना खाते हैं, लेट्स गो। तो अभी मैं तो आ चुका हूँ गाड़ी में पर बाकी सब लोग आ रहे हैं। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा इंदौर के बारे में बताता हूँ। इंदौर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो नंबर वन पे आता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी के मामले में। और यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा आदित्य बता सकता है इंदौर के बारे में? सराफा और छप्पन बाजार ये एरिया के नाम है इंदौर में। तो यहाँ पे ये एरिया काफ़ी फेमस है खाने के लिए, तो हम लोग भी वहाँ पे जाने वाले हैं। बेस्ट अभी तक का वहाँ पे बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलता है अभी तक का। तो हम लोग ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड है, मैं जब से यहाँ पे छोटा तब से आते आ रहा हूँ। ये रहा श्री गुरु कृपा प्योर वेज होटल, तो अभी हम लोग यही जा रहे हैं। तो चलते सीधा अंदर, और हम लोग जहाँ रुके हैं वो एरिया है विजयनगर, और ये लगभग वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का ही रास्ता है। तो अभी चलते हैं अंदर, और इस होटल का नाम काफ़ी सुना है तो चल के देखते हैं। श्री गुरु कृपा एक प्योर वेज होटल है और ये काफ़ी फेमस है इंदौर के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के डिशेस मिल जाएंगे और यहाँ का टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप इंदौर आ रहे हो तो ये प्रेफर कर सकते हो। तो अभी खाना खाते हैं हम लोग, मतलब खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, तो आपको मिलता हूँ खाना होने पर। तब तक फ़ोन का बैटरी थोड़ा सा कम हो रहा है तो उसको चार्ज कर लेते, खाना खा के मिलता हूँ। लंच हमारा हो चुका है और काफ़ी सही था। अभी चलते हैं कार में बैठ कर, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो जहाँ मंजिल लेके चले वही चलते हैं दोस्तों, चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं अपना स्वीट्स पे। ये व्लॉग में या फिर आने वाले इंदौर के व्लॉग में आपको खाने की प्लेसेस दिखेंगे बिकॉज इंदौर इज जनरली फेमस फॉर खाने की प्लेसेस। तो ये जो अपना स्वीट्स है ये काफ़ी फेमस जगह है और यहाँ पे स्वीट्स, नमकीन ये सब मिलते हैं। तो अभी मैं आपको अपना स्वीट्स लेके चलता हूँ। ये रहा अपना स्वीट्स और ये इनका अंदर से पूरा
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं खाने पीने की। भाई जब भी हमने आलू टिक्की चाट और शिकंजी ऑर्डर करी है, शिकंजा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या है? लस्सी। ये है लस्सी और इंद्रायणी। तो हमने दो चीज़ें ऑर्डर की है, लस्सी और इंद्रायणी। कैसी है इंद्रायणी? कैसी है दिनेश? इंद्रायणी कैसी है? जबरदस्त। और लस्सी भाई, लस्सी कैसी है? लस्सी भी बढ़िया है एकदम। तो हम लोगों ने तो ये ऑर्डर किया है, बट जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारे ऑप्शन है ऑर्डर करने को, तो आप लोग कर सकते हो। तो दूसरी जगह जहां हम आए हैं वो है टिंकूस कैफे, एंड ये भी एक वन ऑफ द फेमस कैफे टिंकूस कैफे। टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजिल। तो अभी टिंकूस कैफे वन ऑफ द फेमस कैफे इन इंदौर, तो अभी चलते हैं सीधा। बस बस ये यही कर तो बेटे, यही कर। तो दोस्तों ठीक मेरे सामने रहा टिंकूस कैफे। क्या नाम है यार टिंकूस कैफे? वाह, मतलब मम्मी ने बोला होगा बेटा टिंकू क्या करना चाहोगे? मम्मी मैं कैफे खोलना चाहूँगा, कॉफी कैफे बनाना। हाँ, कुकूस कैफे। कुकूस कैफे आदित्य के नाम पे, सही बात है। ये रहा दोस्तों टिंकूस कैफे। मैं पहला प्रपोजर आया होगा अक्षय को, और वो टिंकूस कैफे पे। अक्षय आई लव यू, कैसा लगा बोलना, कैसा लगा? ओह माय गॉड, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अभी बज चुके हैं 4:30 और हम लोग दो तीन जगह खा के, मतलब पेट काफी फुल हो चुका है और आके अब नीचे हो रही है, मतलब नींद आ रही है। तो अभी सबने सोचा कि थोड़ा सा होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर शाम को निकलते हैं। तो अभी अब सीधा जाता हूँ मैं होटल और मिलते हैं हम शाम में, क्योंकि अभी सच में बहुत नींद आ रही है। तो लेट्स गो।